राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। सीएम ने राज्य में निवेश को लेकर समीक्षा की है। बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने राज्य में निवेश को लेकर के समीक्षा की है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने अपने आवास पर समीक्षा बैठक की। औद्योगिक निवेश बढ़ाए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के लक्ष्य रखा गया। समिट के लिए 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को तैयार रहना चाहिए, इसकी बात कही गई है। दूसरे देशों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाए, इससे दूसरे देशों के राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने में काफी लाभ मिलेगा। सरकार की नीतियों के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। केवल यूपीसीडा के माध्यम से ही विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। दो वर्षों में 7 देशों से करोड़ों का निवेश प्राप्त हुआ है। 3,200 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। सीएम योगी ने ये बात कही है। कोरोना के एक चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच ऐसा पहली बार हुआ। 3,700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इसके अलावा कला मनोरंजन जगत के लिए विशेषज्ञों से परामर्श किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के पास ही टाउनशिप का विकास भी हो। निर्यात प्रोत्साहन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें। जिले में नीतिगत प्रयासों के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें। इसके अलावा सीएम योगी आदित्य ने कहा है कि एमएसएमई विभाग, नियोजन विभाग कार्य योजना प्रस्तुत करें। अक्टूबर में इंटरनेशनल कालीन एक्सपो आयोजित किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भविष्य के दृष्टिगत सभी प्राधिकरणों को काम करना होगा। लैंड बैंक विस्तार के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मार्तन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मार्तन, सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की और बहुत सारी बातें बोली है, जिनका कुल निष्कर्ष ये है कि उत्तर प्रदेश में निवेश को और प्रोत्साहन किस तरह किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। क्या विशेष रहा इस बैठक में? जी देखिए, बिल्कुल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जो है डायरेक्ट जो है जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जो लोग हैं उनसे जुड़े उनके अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो एफडीआई है उसके लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। प्रदेश में लगातार जो है फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर बात करें तो सीधे यूनाइटेड किंगडम और यूएसए से 1200 करोड़ से ज़्यादा के जो है इन्वेस्टमेंट आए हैं, तो ऐसे में ये माहौल जो है ये बना रहना चाहिए। इसके लिए और व्यवस्था जो है उसको सुचारू किया जाए। बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगामी इन्वेस्टर समिट के लिए 10 लाख करोड़ का जो है लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए अनुकूल माहौल जरूरी है। उसी के की समीक्षा बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री और बताते चले आपको, 2018 में 4,68,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ था और जो है बाहर की कंपनियों से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जो है अधिकारियों से बैठक कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को कहा कि एक अनुचित माहौल, मतलब एक माहौल अनुकूल माहौल बन रहा है और जो है हर एक जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो जो है सक्षम बन चुका है अब, जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर सके। बाहर से जो भी व्यापारी हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उत्तर प्रदेश में आए इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए एक अनुकूल माहौल तैयार रहे। कोई भी जो है विभागीय जो है पचड़ा ना पड़े, जिसमें जो है उनको जो है कागजी कार्रवाई करने में देर हो, तो इसके लिए लगातार जो है समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है औद्योगिक विकास के जो अधिकारी थे उनसे बातचीत की। बिल्कुल मार्तन, इस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इसमें स्वास्थ्य भी है, इसमें मनोरंजन भी है, खेल भी है, इसमें तमाम तरीके के आप कहेंगे मोबाइल लगाने वाली जो कंपनियां हैं उनका उद्योग है, इन सब का सही तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश किया जाना चाहिए। और 2018 जब पहली इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुई, उससे पहले का जो निवेश और उसके बाद का जो निवेश है, उसमें एक बड़ा फर्क भी देखने को मिला है। Oh,
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे जो है बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है, यहाँ अपार संभावनाएं हैं निवेश की, और इसको लेकर वो अधिकारियों को निर्देशित करते हुए दिखे कि किसी तरीके से भी जो है मतलब जो ये माहौल है इसको बरकरार रखना है। 2018 की बात करें तो 4,68,00,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया, और अब जो अगला लक्ष्य है वो 10,00,00,000 का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लगातार इसकी समीक्षा चलती रहे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है निवेश उत्तर प्रदेश में आ सके। देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आह्वान के बाद जो उत्तर प्रदेश ने पहला इन्वेस्टर समिट जब आयोजित किया तो उसके बाद तो पूरे देश में इसकी धूम मची और जगह जगह से कई इंडस्ट्रियलिस्ट उनको इन्वाइट किया गया। भारत के भी जो है बड़े उद्योगपति वो भी आए, उन्होंने अभी हाल ही में लुलू मॉल बन के तैयार हुआ, वो भी उस इन्वेस्टर समिट का ही नतीजा था। और तो ऐसे में जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि संभावनाओं का प्रदेश है और हर एक जिले में अपनी एक अलग संभावना है, हर एक जिले की अपनी एक अलग पहचान है। उसके लिए भी जो है निर्देशित किया गया है कि अधिकारियों को कि अनुकूल माहौल अनुकूल वातावरण उत्तर प्रदेश में अनुकूल माहौल इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए ही। धन्यवाद मातुंड आपका, और बने रहिए आप हमसे और खबरों पर भी अपडेट लेते रहेंगे।